हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और वीडियो। स्टार्ट करते हैं द चैंप हार्डी चुपन की अपडेट के साथ, जो फाइनली अपनी इस अपडेट में कंफर्म कर रहे हैं कि ये उनकी बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेट है 11 सितंबर की। और इस अपडेट में हार्डी बता रहे हैं कि मैं दूसरों का फोटोशॉप गेम नहीं देखता हूं। तो इस बात में तो आई डोंट नो गाइस, हार्डी किसे ही टारगेट कर रहे हैं कि कौन हैवीली फोटोशॉप करता है अपनी पिक्स को, कौन ज्यादा फिल्टर यूज करता है। आई गेस रिगन क्राइम्स को बोल रहे हैं और कह रहे हैं ना मैं ये गेम खेलता हूँ, ना ही मुझे चीटिंग समझ में आती है और ना ही मुझे करने की जरूरत है। वेल टू बी ऑनेस्ट गाइस, चाहे हार्डी ने फोटोशॉप यूज नहीं करी हो, बट ये वीडियो एक परफेक्टली सुटेबल सेटिंग में लिया गया है, एक एक्सेप्शनली परफेक्ट लाइटिंग में। तो हार्डी का ये कहना और फिर खुद ऐसे परफेक्टली परफेक्ट लाइट ढूंढ कर जहाँ पर उनकी खुद की फिजिक काफी ज्यादा शार्प लगे, डिफाइंड लगे, उसे प्रेजेंट करना, इट इज क्वेश्चनेबल टू। बट एनी अगर अपडेट की बात करें तो 8 weeks आउट के पॉइंट पर हार्डी इज सुपर कंडीशन फाइब्रस एंड नेक्स्ट लेवल पील्ड। बट यहाँ पर हार्डी के फ्रंट पोजिस से भी ज्यादा मुझे जो चीज इंप्रेसिव लगी वो थी हार्डी के बैक पोजिस, क्योंकि हार्डी ने अपनी बैक को और भी ज्यादा ग्रीनी और भी ज्यादा डेंसर बना लिया है। हार्डी का लैट स्प्रेड वॉज किलिंग इट, ऐसा जबरदस्त वी टेपर विद ग्रेटली वाइड लैट्स हार्डी प्रेजेंट कर रहे थे। एंड इवन रियर डबल बाइसेप्स गाइस, हार्डी बहुत ही ज्यादा ग्रीनीनेस और बहुत ही ज्यादा डेफिनेशन प्रेजेंट करते हुए दिखे इन हिज बैक, और ये चीज हार्डी के लिए जरूरी भी थी, स्पेशली जब उनका सबसे बड़ा चैलेंजर, सबसे बड़ा कंपेटिटर सबसे ज्यादा डेडली बैक होल्ड करता हो। तो हार्डी को इस चीज के गैप को कम करने के लिए अपने पूरा एफर्ट्स देने थे, एंड सो हार्डी डिड। वेल आई स्टिल बिलीव गाइस कि डेरेक और इस हार्डी के बीच में कॉम्पिटिशन काफी टक्कर का होगा, और अगर सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, सारे हिडन एजेंडास और सारी कॉन्स्पिरेसीज को हटा दिया जाए तो हार्डी और डेरेक के बीच में डिसाइडिंग फैक्टर ये ग्रीनीनेस, ये मसल मैच्योरिटी बनेगी, जिसमें डेरेक हार्डी को नहीं पकड़ सकते अभी तो नहीं गाइस। बट अगर आप मसल मैच्योरिटी को एज अ फैक्टर यूज नहीं करोगे, लास्ट ईयर जजेस ने नहीं करा था तभी तो शो इतना क्लोज आ गया था, तो अगर आप नहीं करोगे तो फिर हार्डी कुछ ज्यादा ऑफर नहीं कर पाएंगे जिससे वो इस टाइटल को रिटेन कर पाए। क्योंकि अगर आप डेरेक को देखोगे तो मैन डेरेक अपनी हाइट के हिसाब से एक सुपर ब्लास्टिंग पैकेज लेकर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पैक्ड इनसेनली ह्यूज कॉर्ड्स और इनसेनली डेवलप बैक के साथ, और शेप का वरदान तो इनको बहुत पहले से मिला हुआ है जो इनकी सेपरेशन की और आर्म्स की कंडीशनिंग की कमी को वैसे ही माफ करा देता है। और ये सच है गाइस कि अगर आप किसी एक एरिया में सिग्निफिकेंटली अच्छे होते हो, बहुत ज्यादा शार्प होता है, तो आपकी कई कमियों को वो चीज हाइड कर लेती है, कॉम्पनसेट कर देती है। एंड आई फील डेरेक पर हम बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इफ डेरेक हम को सरप्राइज कर दें विद ग्रेट सेपरेशन एंड मसल मैच्योरिटी, क्योंकि देखो डेरेक इस वक्त एक अलग ही जोन में है, वेयर ही डज नॉट वांट टू स्टॉप, एक मोमेंटम कैरी कर रहे हैं, लास्ट ईयर से ही एक हाइप कैरी कर रहे हैं, डेरेक एक्सेप्शनल लग रहे हैं, और प्रेप के स्टेज पर भी जहां हम शो से अब बहुत ज्यादा ही करीब हैं, वहां पर भी ऐसा लग रहा है कि डेरेक इज ग्रोइंग, डेरेक ह्यूज होते जा रहे हैं, डेरेक नए नए वेज फाइंड कर रहे हैं टू बिकम इवन मोर बिगर, मोर डेंजरस। डेरेक इस वक्त आई थिंक अपने पूरे करियर में सबसे ज्यादा फोकस्ड हैं, ही नोज उन्हें क्या चाहिए टू बीट हार्डी, एंड डेरेक इज किलिंग इट एवरी डे फॉर दैट। इनके वर्कआउट सेशंस और भी ज्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं, प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट्स और भी ज्यादा विजिबल होती जा रही हैं, वैस्कुलैरिटी और स्ट्राइशंस दिन पर दिन इंक्रीज होती जा रही हैं, और जिन लेग्स को लास्ट ईयर डेरेक को ब्रिंग अप करने के लिए बोला गया था वो अब दोबारा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि लेग्स को डेरेक ने मैसिव और पूरी तरह से डिफाइंड कर दिया है, वो भी इस लेवल पर कि डेरेक की अपर बॉडी तक को खा जाएंगे उनके खुद के लेग्स, अब बस ये काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए उनके लिए। और अब डेरेक नेक्स्ट कई सेशंस में टारगेट करेंगे ज्यादा से ज्यादा हनी रंबोट के साथ ट्रेन करने को, क्योंकि यही वो डिफाइनिंग टाइम है, यही वो डिफाइनिंग मूवमेंट होगी जब आपको अपने और अपने ओपोनेंट के बीच के इस गैप को कम करना है। नेक्स्ट अपडेट है इमरान खान की, जो बॉस इस साल इनसेन इंप्रूवमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। आई मीन इस फ्रंट पोस्ट को देखकर, इस क्रेजी पील वर्जन ऑफ इमरान खान को देखकर, इट इज वेरी क्लियर कि इमरान इस बार एक स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, और इंप्रूवमेंट्स हो तो ऐसी, आई मीन कोई भी जिसे थोड़ी सी भी बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज है वो इस फिजिक को देखने के बाद अमेज होने से नहीं रह सकता। किस लेवल पर ड्राई इस वक्त दिख रहे हैं इमरान, और स्किन क्वालिटी बहुत अमेजिंगली ग्रेनी एंड हद से ज्यादा पतली हो रही है। कैप्शन में इमरान बोल भी रहे हैं कि 2 weeks आउट इस टाइम पर बॉडी फैट ऑन टारगेट 3.5%। अब ये तो मुझे सच नहीं लगा, क्योंकि गाइस 3.5% एक बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक एंड बहुत ही ज्यादा पुश सा बॉडी फैट परसेंटेज है। आपके हार्मोन्स इवन 10% के अंदर ही हिल जाते हैं पूरी तरह से, और 5% के अंदर जब बॉडी बिल्डर स्टेज पर होते हैं, 4-5% के बीच में कम्पीट करते हैं, ये बहुत ज्यादा डेडली होता है उनके लिए। एंड 3.5 ये एक थोड़ा ज्यादा बोल दिया इन्होंने, क्योंकि आई थिंक मैंने एक बार कवर भी करा था कि सबसे ज्यादा श्रेडेड एथलीट जो हर वक्त 4% पर ही रहते हैं वो ये हैं। तो सी ये होती है 4% बॉडी फैट, इनक्रेडिबली श्रेडेड एंड आपके फ्रेम के अंदर से मांसपेशियां तक विजिबल है, हर एक फाइबर विजिबल है। सो इमरान यस गाइस इज क्रेजी लीन एंड एक बहुत ज्यादा इमेंसली पुश्ड फिजिक होल्ड कर रहे हैं और नेक्स्ट लेवल प्रपोर्शंस प्रेजेंट कर रहे हैं, बट 3.5% ये नहीं है। एंड विदाउट अ डाउट इंडिया के सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड एथलीट, सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड फिजिक इस वक्त ये हैं। और गाइज इसके बाद चार्ल्स ग्रिफिन, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इनको मैं इतना इंप्रूव देखूंगा, जहां बहुत सारे एस्थेटिक फिजिक और नए नए शेप्स हमें रोज रोज देखने को मिलते हैं, वहीं एक बहुत ही यूनिक फिजिक होल्ड करते हैं और उसके बाद भी अपनी एक पहचान बना रहे हैं चार्ल्स ग्रिफिन, जो इस वक्त रेडी हो रहे हैं लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट के लिए, द लास्ट प्रो शो ऑफ द सीजन। एंड ऑनेस्टली इवन दो वो शो बहुत ही ज्यादा पैक्ड होने वाला है, बट आई रियली बिलीव कि चार्ल्स को उस शो में कोई भी जीतने से नहीं रोक सकता।
जिस लेवल की ग्रेनिनेस, जिस लेवल की हार्ट, ग्रेनाइट जैसी फिजिक चार्ल्स होल्ड कर रहे हैं, दैट इज जस्ट इनसेन। आई मीन लुक एट हिम गाइस, कोई ऐसा मसल नहीं है विच इज नॉट इम्प्रेसिव। पहले स्टमक का इशू था, थोड़ी वेस्ट के थिक होने का इशू था, ही फिक्स दैट विद वैक्यूम। फिर लेग्स का इशू था और आज लाइनअप में वन ऑफ द वेरी बेस्ट स्क्वाट्स एंड इवन हैमस्ट्रिंग्स चार्ल्स की ही है, विथ नेक्स्ट लेवल सेपरेशन एंड ग्रीनीनेस। बैक तो इनकी है ही बिल्कुल हार्ड, डेंस मसल से पैक्ड, टर्टल शेल वाली, और आर्म्स भी बहुत ज्यादा जबरदस्त। एक भी कमी मुझे तो नहीं लगती इनकी फिजिक में। और सबसे ज्यादा गाइस जो हार्डनेस और मसल मैच्योरिटी चार्ल्स ग्रिफिन होल्ड कर रहे हैं, वो तो कई टॉप 5 टॉप 6 के एथलीट भी होल्ड नहीं कर रहे हैं। एंड चार्ल्स नो दिस, इंजरी से हील होते ही चार्ल्स ने जो गियर बदला है एंड प्रेप स्टार्ट करी है, वो काबिले तारीफ और हैरान कर देने वाली है। एंड अब वी कैन नॉट वेट टू सी चार्ल्स ऑन स्टेज। और दुबई प्रो अब वो नेक्स्ट शो है जिसका एक्साइटमेंट ओवर द रूफ है। इनसेन लेवल का एक्साइटमेंट दुबई प्रो के लिए बिल्ड हो रहा है, क्योंकि सारे ही कंपेटिटर्स अपने आप को पूरी तरह से झोंक रहे हैं उस फायर में टू कम आउट एज द ग्रेटेस्ट। टेरेंस रफिन की ये नई अपडेट, जहां पर टेरेंस बोल रहे हैं चाहे प्रोफेशनल कैमरा हो या फिर किसी मोबाइल फोन का कैमरा, मेरे लिए इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक बिल्कुल ही साधारण से कैमरे से भी उतना ही शार्प दिखूंगा। एंड ही सेड इट राइट, क्योंकि लुक एट द डिटेल्स गाइस, किस तरह के शर्ट्स टेरेंस 2 वीक्स आउट में इस वक्त दिखा रहे हैं। टेरेंस जानते हैं कि उनके इस कमबैक पर सबकी नजरें टिकी हुई होंगी। इट्स अ मेक और ब्रेक मोमेंट फॉर हिम। और इस बार टेरेंस अगर नहीं जीत पाए और सबको इंप्रेस नहीं कर पाए अपने इस नए पैकेज से, तो उनको टॉप की कॉन्वर्जेशन से हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। और मुकाबला भी काफी टफ है दुबई प्रो में। बट टेरेंस इस अपडेट में तो एक्चुअल में एक रॉनी कॉलमैन के क्लासिक अवतार लग रहे हैं, चाहे आप बैक देख लो या फिर ये इंसेन ग्लूट सेपरेशन। बिल्कुल ही पील्ड टेरेंस है यहाँ पर, और ग्लूट्स में तो वैसे ही शर्ट्स और सेपरेशन वही हार्डनेस प्रेजेंट कर रहे हैं। टेरेंस की क्वाड्स पर बहुत ज्यादा डेफिनेशन विजिबल है, वैस्कुलैरिटी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, और बैक पर डिटेल्स आर अमेजिंगली कमिंग। टेरेंस पूरी तरह से तैयार है अपने बिगर और एक हमेशा से ही बेटर वर्जन से हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और टेरेंस ऐसी कोशिश करें भी क्यों ना, स्पेशली जब उनका सामना होने वाला है एक अपने से भी ज्यादा क्लासिक फ्रेम वाले एथलीट से, जो एक लंबे टाइम तक अपनी कंडीशनिंग अपनी पीक हिट करने में कमी कर देता था। बट नाउ वेस्ली हैज गॉट इट। वेस्ली ने खुद को इस लेवल तक इम्प्रूव और प्रूव कर दिया है कि अब कोई भी वेस्ली को हल्के में तो नहीं लेता। वेस्ली बड़ी हुई मसल मास के साथ अपना इंसेनली क्लासिक फ्रेम दुबई प्रो में एक बहुत बड़ी थ्रेट की तरह लाएंगे। आप देख सकते हो कि वेस्ली अभी से ही कितने ज्यादा श्रेडेड, किस कदर पील्ड और स्ट्राइटेड हो गए हैं। इट इज अ क्रेजी कॉम्पिटिशन बिटवीन वेस्ली एंड टेरेंस, जहां दोनों ही नेक्स्ट लेवल पील्ड भी नजर आ रहे हैं और नेक्स्ट लेवल क्लासिक भी। और वेस्ली ने अपनी रिसेंट अपडेट में बताया कि उन्होंने अपना पीक वीक अभी से ही स्टार्ट कर दिया है। वेस्ली इज लुकिंग रिडिकुलस अपनी इन सभी अपडेट्स में, और इवन दो टेरेंस इज मोर प्रॉमिसिंग और खुद को ज्यादा प्रूव कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिक के स्टेज पर, बट आई हैव दिस फीलिंग कि ये वही सिचुएशन ब्रियन एंसली वर्सेस क्रिस बम्स्टेड वाली बन जाएगी वेस्ली और टेरेंस के बीच में, जहां टेरेंस फिर से थोड़ी सी एक एज लूज कर देंगे साइज की वजह से, क्योंकि वेस्ली इज मच टॉलर एंड बिगर देन टेरेंस। एंड ये चीज विद ग्रेट सेपरेशन एंड अमेजिंगली क्लासिक फिजिक बहुत ज्यादा एक डोमिनेट करेगी लाइनअप को। बट बाकी देखते हैं, ये तो पक्का है कि टेरेंस के नेक्स्ट दोनों ही शोज में हमें जबरदस्त बैटल्स देखने को मिलने वाली हैं। और सभी लोग जानना चाहते हैं कि सर्जियो क्या इस पूरे ही सीजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही शो करने वाले थे, इज दैट ऑल? और सर्जियो ने काफी पॉडकास्ट तक अटेंड करे, बट फैंस को और ऑडियंस को उनके इस सवाल का जवाब नहीं मिला। लेकिन सीम्स लाइक सर्जियो साइलेंटली ग्राइंड कर रहे थे अपने कोच नाइल यूडा के साथ, और तब तक कुछ अनाउंस नहीं करना चाहते थे जब तक वो खुद सर्टेन ना हो जाए अपनी प्रोग्रेस से। और अब सीम्स लाइक लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट, जी हाँ गाइस, इस सीजन का लास्ट क्वालिफायर वो शो हो सकता है जहां मुझे पूरी तरह से लगता है इन नई अपडेट्स को देखकर कि सर्जियो सरप्राइजिंगली कूदने वाले हैं, क्योंकि सर्जियो और भी ज्यादा मैसिव और भी ज्यादा फुलर लग रहे हैं। एंड ही इज नॉट सैक्रिफाइसिंग कंडीशनिंग एट ऑल, बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड ये और भी ज्यादा लग रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली सर्जियो ने एक 4 to 6 weeks आउट कंडीशन मेंटेन करके रखी हुई है। कैप्शन में सर्जियो बोल भी रहे हैं कि मास्टर योडा और मैंने मिलकर जो भी गैप्स थे इस फिजिक में वो फिल करने स्टार्ट कर दिए हैं। एंड ही डज लुक रेडी, बहुत ही ज्यादा थिक ये लगने लग गए हैं। इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग टू सी कि नाइल योडा एंड सर्जियो क्या पैकेज लेकर आते हैं अपने नेक्स्ट शो में, क्योंकि जो डेंसिटी और फुलनेस ये प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज इनसेन। हैमस्ट्रिंग्स में साइज इंक्रीज लग रहा है, और बैक की थिकनेस विद अमेजिंगली फुलर आर्म्स इज जस्ट लुकिंग रिडिकुलस। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।